तो गाइस कैसे हो आप लोग। आपको पता होगा दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा पर बैन लगा दिया है। वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों पर ही बैन लगा दिया है। अब इनको कोई भी नए वीज़े नहीं मिल पाएंगे। और पाकिस्तानियों को ये भी डर लग रहा है, जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं शायद उन्हें वापस ना कर दिया जाए। इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं रॉब क्लासरा। रॉब क्लासरा पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रल पत्रकार हैं शायद अभी, जो ये बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान के रॉब क्लासरा ने एक सवाल और उठाया है कि इंडिया पर ये बैन क्यों नहीं लगा है, इंडियंस को सब कुछ क्यों अलाउ है, पाकिस्तान पर क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स इनकार कर दिया है। जो प्रिटेक्स दिया है कि नहीं, वो पाकिस्तानी 30 पाकिस्तानी हांगकांग से वहां पे गए थे एमिरेट से, तो उनको कोरोना था। मगर हमारे लिए तश्वीशनाक खबर इसलिए भी है कि हमारा यूएई पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी जो है 4.5 बिलियन के सालाना तरसीलात वहां से आती हैं, और ये सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन मांगने के बाद ये वाकया हुआ, तो इसलिए बड़ी तश्वीशनाक उस पर है। हमारे साथ क्योंकि वज़ीर आज़म के मामले में ख़ुसूसी जो है मौलाना ताहिर साहब मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि मैं अपना एनालिसिस दूं उनसे पूछ लेते हैं। जी मौलाना ताहिर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि आप मामले ख़ुसूसी लगे तो हमारी बड़ी बेहतराई आएगी ये यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में, मगर वो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद उन्होंने आपके लगाने के बाद जो है $2 बिलियन भी मांग लिए। अब यूएई से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डीबार किया है कि उनको वीज़ा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। हालांकि इंडिया में कोरोना हमारे से भी ज़्यादा बुरा है, जिससे शक हमें पड़ जाता है कि शायद कोई ज़्यादा वजह है, कोई और मसला है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आप सभी और रऊफ क्लासरा साहब सभी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आज ही यूएई में मेरे कोई एक अजीज थे, वो भी एयरपोर्ट से पहुंचे हुए थे, तो कोई उनका मसला हुआ तो वहाँ के जिम्मेदारों से बात हुई। एक तो कोरोना का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ लिबार्टरीज जो है वो जब वो चेकअप करती है, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, तो मुझे इसका अंदाजा हुआ है कि आपके यहाँ जो 2-3 बड़े इदारे हैं, जो लिबार्टरीज हैं, वो जो टेस्ट रिपोर्ट है उनकी वो बड़ी अजीबो गरीब है। एक पॉजिटिव देता है, दूसरा नेगेटिव देता है, और मैं जाती तौर पर इसका शिकार हुआ हूँ, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। तो एक तो प्रॉब्लम ये आई कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐलान कर दिया, तो जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे उनके वहां पर कोरोना टेस्ट जो थे वो अगर नहीं आए, यानी पॉजिटिव आ गए या कोई ऐसे आसार आ गए कोरोना के, तो उनको उन्होंने एंट्री नहीं दी। लेकिन कुछ लोगों को आज भी उन्होंने एंट्री दी है, और आज भी कुछ लोग दोपहर के वक्त जो है वो दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तानी जो है वो दाखिल हुए हैं। इसलिए इसको किसी वो जो है ना उससे ना जोड़ा जाए, और ना ही मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि मेरा ख्याल है आने वाला वक्त बता देगा कि हमारे इस वक्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दिगर जो इस्लामी ममालिक अरब ममालिक हैं उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं मुस्तकबिल में। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि अभी जब ये फलस्तीन का कर्जा आया तो खुद प्रेसिडेंट फलस्तीन ने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान को ना हम इख्तियार देते हैं कि वो अरब इस्लामी ममालिक के साथ हमारे जो मुजाकरात हैं और जो मामलात हैं पाकिस्तान उसको बैठ के करवा दे। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह की उनके मुजाकरात। मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं कि आपको इसराइल ने, सॉरी आपको फलस्तीन के वो कह रहे हैं कि मुजाकरात करा दे, किस इशू पे मुजाकरात वो कह रहे थे इसराइल के साथ? अरब इस्लामी दुनिया के कुछ मुमालिक के और फलस्तीन के जो ताल्लुकात में इस वक्त खराबी पैदा हो रही है, तो फलस्तीनी अथॉरिटीज ने बड़ा वाजे तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे कहा है कि अगर आप हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप इन इस्लामी मुमालिक के साथ बैठ के हमारे मामलात की जो है बेहतरी के लिए जो भी आप उनका तो एक ही मसला है ना, मेरा ख्याल है अगर मैं ठीक कह रहा हूँ कि वो तो इसराइल को तस्लीम करने या 2 स्टेट्स वाला जो मसला चल रहा है तो वो तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इशू है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं मुसलमान जो हैं या चंद जो हैं जिन्होंने रिसेंटली उन्होंने
आग एक्सेप्ट किया या उसको ये उन्होंने तस्लीम कर लिया इसराइल को, तो इशू तो वो चल रहा है, तो वो क्या वो अब वो ये चाहती है कि पाकिस्तान बैठ के इसके इसराइल को तस्लीम ये करना है नहीं करना, तो उसमें कोई डला करवाए। नहीं नहीं देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला जो आया हुआ है वो ये है कि अरब इस्लामी ममालिक के और फलस्तीनी हुकूमत और फलस्तीनी अवाम के दरमियान एक बहुत पैदा हुआ है जो नई सूरत हाल है उसमें, और वो जो एक आपस में दूरी पैदा हो रही है उसको बहरहाल इस्लामी ममालिक फलस्तीन के मसले पर अपने मौकफ के ऊपर जो है फलस्तीन को उनकी ताइद और हिमायत। मौलाना साहब वो आप सही कह रहे हैं, अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं, मगर हमारा फलस्तीन का मसला तो बाद में हल करवाएंगे, हमारा अपना जो मसला है खासतौर पर सऊदी अरेबिया के साथ आप कह रहे हैं कि बेहतर होने जा रहे हैं, मगर उन्होंने पहले 1 बिलियन मांगा, अब दूसरे बिलियन का भी वो मांग रहे हैं, बाद में जो वो डिफर्ड पेमेंट है वो भी ऑयल की फैसिलिटी का उसका रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो कोई अमली तौर पे तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मेरा ख्याल है आमिर साहब के बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, वो वक्त और हालात के मुताबिक इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। आजकल बुरे दिन है, आजकल ही शेयर कर लें, कोरोना का मौसम है और लोगों को अच्छी खबरें चाहिए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी खबरें हैं, और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो कुछ ये अफवाहसाजी हो रही है इस तरह नहीं है, सऊदी अरब के साथ भी, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी, दीगर अरब इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पिछले 3 सालों से कहीं बेहतर हुए हैं और होने जा रहे हैं। अच्छा सर जी ये बताइए, लोग जो मौलाना साहब मैं थोड़ा सा आपसे, आपने बड़ा अच्छे तरीके से दिया वो लास्ट आपसे क्वेश्चन, लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वजह से यूएई ने सब कुछ किया है, वो ये समझते हैं जनाब कि अगर अगर ये कोरोना मसला होता तो भारत में तो वहाँ पे जो अब तक वो उनकी डेथ हो चुकी है, 1,30,000 हो चुकी है, पाकिस्तान में 7,000 है, तो उन्होंने उनको बैन नहीं किया, टूरिस्ट वीजा नहीं बैन किया, उनके आगे वर्क परमिट नहीं बैन किया, पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीजा चलो समझ में आता है ठीक है बैन कर दें, वर्क परमिट था वो भी इशू नहीं कर रहे, और उसमें इंडियन को उन्होंने लिस्ट में नहीं रखा, इसमें तुर्की लिस्ट में रखा है, उन्होंने यमन रखा है, पाकिस्तान अब ये पूरा एक कैंप है कि जिसको सऊदीज और यूएई जो है पाकिस्तान तुर्की और उसका यमन वगैरह जो या ईरान कह लें इनको पसंद नहीं करते, ये तो उस कैंप में उन्होंने डाल दिया, फिर इंडिया को उन्होंने नहीं डाला उसमें, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कोरोना से रिलेटेड है। नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात की इसलिए तायीद नहीं कर सकता कि मैं थोड़े से हालात जानता हूं, और मैं ये बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि हमारे इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात हैं वो पिछले 10 सालों से। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो देखकर क्लियरली समझ में आ गया होगा पाकिस्तानियों पर शायद सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई नई गाज गिरने वाली है, हालांकि 2-3 गाज पिछले 2 महीने से रेगुलर गिर रही हैं। सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान को लोन दिया था $3 बिलियन का, अब वो पाकिस्तान से वापस मांग रहा है विथ इंटरेस्ट, और पाकिस्तान ने चीन से यहाँ से वहाँ से भीख मांग कर वो ब्याज चुका भी रहा है। तो अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के वीज़े पर बैन लगा रहा है, पाकिस्तानियों के वीज़े पर बैन लगा रहा है, जो वर्क परमिट है उसे देने से मना कर रहा है, टूरिस्ट वीज़ा देने से मना कर रहा है, जो यूएई पहले ही कर चुका है, और इसकी वजह है पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो एक मुल्क खड़ा है टर्की उससे करीबियां। पाकिस्तान एक अपना इस्लामी ग्रुप बनाने के चक्कर में था, आपको याद होगा मलेशिया सऊदी अरेबिया और टर्की ये तीनों एक अलग से इस्लामी ग्रुप बनाने के चक्कर में थे, जिससे नाराज चल रहा था सऊदी अरेबिया, उसी का रिजल्ट अब उन्हें मिल रहा है, उन्हें पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, अब लोन वापस करना पड़ रहा है, ऑयल देने से कुछ जो ऑयल नहीं मिल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम पाकिस्तान को सामना करने पड़ रही हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बायकॉट यूएई, बायकॉट सऊदी अरेबिया, वी सपोर्ट टर्की, इस तरीके के ट्रेंड मतलब चलाए थे, जिसकी वजह से डेफिनेटली सऊदी अरेबिया ने ये चीज़ें देखी होंगी, ऑफिशियली उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अनऑफिशियल तौर पर ये अब छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं ये उसी का नतीजा लग रहा है। और पाकिस्तान जो टर्की का बड़ा सपोर्टर बनता है, टर्की ने पाकिस्तान को कभी पैसे की कोई मदद नहीं की है, टर्की का सपोर्ट पाकिस्तान क्यों करता है, इसके पीछे का लॉजिक आपको सब कुछ पता है, इस्लामी उम्मा मुस्लिम उम्मा ये वो खलीफा ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये हर देश के जो मुसलमान होते हैं वही ख्वाब देखते हैं, वही पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो इंडियन हो चाहे बांग्लादेशी हो, टर्की उनका एक तैयब अर्दोगन उनका एक नया खलीफा है, वही चीज़ें पाकिस्तान भी फॉलो कर रहे हैं, जिससे सऊदी अरेबिया को जो चीज़ें पसंद नहीं है तो अब उसी का रिजल्ट सऊदी अरेबिया दे रहा है पाकिस्तानियों को। और रॉब क्लासरा ने मौलाना साहब से भी बोला कि ये चीज़ें
भारत के साथ क्यों नहीं हो रही, भारत पर क्यों नहीं बैन लग रहा है। तो मौलाना साहब भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। मौलाना साहब ने घुमा फिरा कर कोरोना पर डाला, कोरोना भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा केसेस हैं लेकिन भारत पर बैन नहीं लगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का होता है दी एंड, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट